लोकसभा इलेक्शन 2024 के शेड्यूल का ऐलान। 7 मरहलों में होगी पोलिंग, 4 जून को वोटों की होगी गिनती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार ने आज लोकसभा इलेक्शन 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कुल टोटल 543 हलकों में वोटिंग 7 मरहलों में करवाई जाएगी और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चौथे मरहले के तहत 13 मई को लोकसभा के इलेक्शन मुनाकिद होंगे। पहले मरहले के तहत पोलिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे मरहले के तहत 26 अप्रैल को, तीसरे मरहले के तहत 7 मई को, चौथे मरहले 13 मई को, पांचवें मरहला 20 मई को, छठवां मरहला 25 मई और सातवें मरहले के तहत 1 जून को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। मूव अप फ्रॉम द साउथ एंड फिनिश द वेस्टर्न एरिया, तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। विद दिस जो सिंगल फेज सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी, 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी। और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। विद दिस फ्रेंड्स आई एंड माई एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर दोज डिटेल रिमार्क्स। प्लीज प्लीज होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। एएचएन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।